नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि आप किस प्रकार से पेटीएम के अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास दो या फिर दो से अधिक पेटीएम अकाउंट है तो आप उस पेटीएम अकाउंट को किस प्रकार से डिलीट करेंगे या फिर आप अपने पेटीएम अकाउंट को किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको पूरी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस करके यहाँ पे दिखाया है। गाइज, यहाँ पे मैं अपना पेटीएम अकाउंट डिलीट करके भी दिखाया है। तो गाइज, चलिए जान लेते हैं कि आप अपना पेटीएम अकाउंट किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल विशाल टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे पेटीएम अकाउंट को डिलीट करने की जो प्रोसेस है बिल्कुल नया है। 2022 में प्रोसेस बिल्कुल बदल चुका है। दोस्तों, पेटीएम अकाउंट को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना होगा। उसके बाद से गाइस, आपको उस मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाना होगा जिस पेटीएम अकाउंट को आपको डिलीट करना है। दोस्तों, आप जैसे ही ऐप को ओपन कीजिएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको कॉर्नर पे एक प्रोफाइल का आइकन दिखेगा। सिंपली गाइज, आपको जो है इस आइकन पे क्लिक कर देना है। गाइज, जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगी। दोस्तों, इस पेज को आपको स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा 24/7 हेल्प एंड सपोर्ट का। सिंपली गाइज, आपको जो है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। गाइज, आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो गई। दोस्तों, इनकी हेल्प एंड सपोर्ट की जितने सारी ऑप्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। सिंपली गाइज, आपको जो है इस व्यू ऑल सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। गाइज, जैसे ही व्यू ऑल सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो होगी। सिंपली गाइज, आपको जो है इस पेज को स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी प्रोफाइल एंड सेटिंग का। सिंपली गाइज, आपको जो है इस प्रोफाइल एंड सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगी। यहाँ पे गाइज, आपको एक ऑप्शन मिलेगा चैट विथ अस का। सिंपली गाइज, आपको जो है इस चैट विथ अस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही चैट विथ अस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो होगी। गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे आई लॉस्ट माई फोन, आई वॉन्ट ब्लॉक माई अकाउंट। गाइज, दूसरे नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई वॉन्ट टू ट्रांसफर KYC फ्रॉम ओल्ड नंबर टू न्यू नंबर। गाइज, तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है आई वॉन्ट टू अपडेट माई फोन नंबर, और चौथे नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिलता है आई वॉन्ट टू क्लोज डिलीट माई अकाउंट। दोस्तों, आपको अपनी पेटीएम अकाउंट को डिलीट करने के लिए यहाँ पे चौथे नंबर पे एक ऑप्शन मिलती है आई वॉन्ट टू क्लोज डिलीट माई अकाउंट। सिंपली गाइज, आपको जो है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं टीम के साथ यहाँ पे आपकी चैटिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे टीम के साथ आपको 2-4-5 मैसेजे आएंगी। इसको स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लोज अकाउंट। सिंपली गाइज, आपको जो है अपनी पेटीएम अकाउंट को डिलीट करने के लिए क्लोज अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे क्लोज अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी वेट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गई। अब गाइज, यहाँ पे फाइनली आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप जो है किस कारण से आप अपनी पेटीएम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आपने जो भी कारण से आप अपनी पेटीएम अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं, सिंपली गाइज उसको यहाँ पे फ्लैट करेंगे। यदि आप जो है जिस कारण से इस पेटीएम अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं, अगर वे चीजें यहाँ पे सुटेबल नहीं है तो दोस्तों आप जो है इस अदर वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, या फिर गाइज यहाँ पे इंटर डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जिस कारण से यहाँ पे अपनी पेटीएम अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं उसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद गाइज, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लोज माई अकाउंट का। सिंपली गाइज, आपको जो है इस क्लोज माई अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। गाइज, जैसे ही क्लोज माई अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुल क्लोजेड। गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे जो है यहाँ पे पेटीएम की तरफ से यहाँ पे मैसेज भी मिल गया कि आपकी अकाउंट को जो है क्लोज कर दी गई। दोस्तों, आप जैसे ही क्लोज माई अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपके अकाउंट को जो है परमानेंट क्लोज यानी बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप जो है इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी पेटीएम अकाउंट को परमानेंट यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन से आपको काफी सारी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और उस पे कमेंट करें। और गाइज, ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। हाँ गाइज, एक चीज और कि अगर आपको पेटीएम अकाउंट को डिलीट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे पर्सनली मुझे कमेंट करें, मैं यहाँ से इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, फिर मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।